हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिरेकल यूनिक क्लासेस। मैं एम एस अली एंड आप देख रहे हो मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज है जो वर्ड्स वो फिर से हैं वर्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश को लेकर के। यानी आज मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए 10 वर्ड्स जो ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। ये वर्ड्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स की जानकारी नहीं होने से हम ये पता नहीं कर पाते हैं, हमको ये पता नहीं चल पाता है कि जिस वर्ड का इस्तेमाल हमने किया है वो ब्रिटिश का वर्ड है या अमेरिकन का है। कुछ लोगों को लगता है कि जिस देश की भी अंग्रेजी वर्ड हो उससे हमको क्या, बस हमको तो यूज़ करना है। लेकिन नहीं, जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ब्रिटिश इंग्लिश में जिस वर्ड को जो आप कहते हो ना, हो सकता है कि अमेरिका में वो कुछ और कहा जाता हो। और अगर कोई अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज का कोई नाम किसी ने दिया, अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत आने वाली बात तो हो ही जाएगी ना। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश एक दूसरे का मिश्रण है, यानी एक दूसरे की संगम है वो, और एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से दूध और पानी का जो मिश्रण होता है, जो संगम होता है, एक दूसरे से है ना कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ घुले मिले रहते हैं, वैसे ही हमारी जो अंग्रेज़ी है उसमें ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश मिले हुए हैं, मिक्सिंग है। और इन चीज़ों को जानना, इन शब्दों को जानना, वैसे स्पेलिंगों से, वैसे प्रोनंसिएशनों से हमें वाकिफ होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं ले आया हूँ आपके लिए ब्रिटिश वर्ड्स और अमेरिकन वर्ड्स, यानी 10 वर्ड्स मैं लेकर के हर बार आता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको लगभग 10 वर्ड्स बताए थे, उससे पिछली वाली में भी मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए थे, और उससे पिछली वाली में भी मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए थे, और ये है चौथी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आप उन वीडियोज को भी देखना है ना, और अपने अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी क्रिएट करना, एक डिफरेंट नॉलेज क्रिएट करना, एंड सबको बताना कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस वर्ड को ये कहते हैं और अमेरिकन में ये कहते हैं। या फिर अगर आप यूज़ ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा अगर अमेरिकन इंग्लिश बोली जाए तो आप समझ सको, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है इससे कोई मतलब नहीं, कोई दरकार नहीं, लेकिन आपको अंग्रेजी समझ में आए, आपको अमेरिकन इंग्लिश समझ में आए, आपको ब्रिटिश इंग्लिश समझ में आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यूज़ करें या ना करें, लेकिन हमें समझना होगा लोगों की बातों को, लोगों के द्वारा बोले गए वर्ड्स को, ताकि हम भी अपने अंदर से या अपने बारे में या उसके विषय में कुछ हम भी एक्सप्रेस कर सकें, कुछ हम भी बता सकें, और कुछ हम भी उसका रिप्लाई या आंसर कर सकें। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि हमें ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश से परिचित होना चाहिए। चलो, बहुत सी बातें हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को लेकर के। अब शुरू करते हैं वो वर्ड्स जो वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वो सब के सब ब्रिटिश वर्ड्स हैं, और इधर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये सब के सब अमेरिकन वर्ड्स हैं। देखो कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स ले आया हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूँ, आपको ये सब किताबों में आसानी से नहीं मिल सकती है। मैंने बड़ी कोशिश करके, बड़े ही जतन करके मैंने इंटरनेट से, गूगल से, या जैसे तैसे करके मैंने इन शब्दों को इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। और मैं चाहता हूँ कि इतनी मेहनत जब हमने की है आपको पढ़ाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, आपके अंदर एक डिफरेंट नॉलेज भरने के लिए, तो फिर इसे आप एंड तक देखना, जानकारी हासिल करना, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करना, और दूसरों के साथ अपना इम्प्रेशन थोड़ा सा हट करके जमाना, ताकि लोग भी कहें कि भाई अमेरिकन इंग्लिश भी जानता है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है रब्बिश। रब्बिश मीन्स होता है कूड़ा करकट, को हम रब्बिश कहते हैं। ठीक, अमेरिका में ना रब्बिश नहीं कहा जाता है, अमेरिका में गारबेज कहा जाता है, GARBAGE, गारबेज। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट गार्डन। गार्डन मीन्स होता है बगीचा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में गार्डन को लोग यार्ड कहते हैं, YARD, जबकि यार्ड का अगला मतलब जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में वो होता है आंगन या फिर गज होता है, लेकिन यहाँ पर यार्ड का मतलब बगीचा होगा अमेरिकन इंग्लिश को लेकर के। तो अमेरिका वाले लोग यार्ड कहते हैं, ब्रिटिश वाले लोग गार्डन कहते हैं, और हम सब लोग भी तो गार्डन ही कहते हैं, तो कभी कभी यार्ड का भी इस्तेमाल कर लिया करो अपनी अलग इंप्रेशन जमाने के लिए। नंबर 3, टैप। टैप मीन्स नल, आपने देखा होगा जिसे पानी की बूंदें टपकती हैं, ऐसे खोल दिया जाता है तो पानी गिरने लगता है, बंद कर देने के बाद फिर पानी रुक जाता है, तो उसे हम टैप कहते हैं। टैप मीन्स होता है नल, लेकिन अमेरिका वाले लोग यानी अमेरिका के इनहैबिटेंट उसको फॉसेट कहते हैं, उसको टैप नहीं कहते। अगर किसी के द्वारा फॉसेट बोला जाए ना, तो आप समझना कि ये नल की बात कर रहा है, ये टैप की बात कर रहा है, इसलिए वर्ड्स जानना तो ज़रूरी है ना। नंबर 4 की बात करें,
शॉप, शॉप यानी दुकान। हम छोटी मोटी दुकानों को यहाँ पर शॉप कहते हैं या बड़ी दुकानों को भी शॉप कहते हैं हम, लेकिन अमेरिका में शॉप का इस्तेमाल नहीं होता है, अमेरिका में स्टोर का इस्तेमाल होता है, STORE। और अलग से ब्रिटिश इंग्लिश के नज़रिए से या ब्रिटिश इंग्लिश के एंगल से स्टोर का मतलब आप देखोगे तो इसका मतलब भंडार दिया रहता है, गोदाम दिया रहता है, एटसेट्रा दिया रहता है। लेकिन अमेरिका में शॉप को स्टोर बोलते हैं, जैसे कि कैंडी स्टोर, ओके, हम लोग कहते हैं स्वीट स्टोर, हम लोग कहते हैं स्वीट शॉप, वो लोग कह देंगे कैंडी स्टोर, क्योंकि स्वीट को ही तो कैंडी बोलते हैं, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा है टॉयलेट। टॉयलेट मीन्स होता है शौचालय। आप समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी समझ में आती है कि शौचालय क्या है, टॉयलेट क्या है। तो टॉयलेट हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे रेस्ट रूम कहा जाता है। तो रेस्ट रूम का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई आराम करने वाला रूम हो, गए और जा कर के आराम कर लिए, विश्राम कर लिए, नहीं। बड़ी ही खतरनाक बदबू मिलेगी तो पता चल जाएगा कि वो रेस्ट रूम है या फिर टॉयलेट है। तो टॉयलेट ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में रेस्ट रूम कहते हैं। याद रखना, कोई रेस्ट रूम आगे से बोले ना तो आप टॉयलेट मत, यानी कहने का मतलब है आप आराम करने वाला कमरा मत समझ लेना और जा करके बिछावन लगा करके, बेड वेड लगा करके सो मत जाना उसमें। रेस्ट रूम का मतलब है यानी टॉयलेट। अब छठे की बात करें, ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम का मतलब होता है ब्रेक का समय, यानी रुकने का समय, थोड़ा बहुत गैपिंग होती है, है ना, खाना वाना खाने का हो या कुछ थोड़ा सा रेस्ट करने का हो, उस टाइम को हम ब्रेक टाइम कहते हैं। लेकिन अमेरिका वाले लोग उसे ब्रेक टाइम नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं रेसेस, उसे कहते हैं रेसेस टाइम या फिर सिर्फ रेसेस कह दिया करते हैं। सो ब्रेक टाइम के बदले आप रेसेस का इस्तेमाल करोगे, या किसी के द्वारा अगर रेसेस बोला जाए तो आप समझना कि वो ब्रेक टाइम की बात कर रहा है, है ना, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप इनका इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन अगर लोगों के द्वारा इनके इस्तेमाल किए जाएँ तो आप समझ सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर आप बेवकूफ़ ना बन जाओ, ये इस बात का मुझे डर है। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आपको बेवकूफ़ में ना बनने दूँ, आपको ये सिद्ध ना होने दूं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप इलिटरेट हो, या आपको सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश की ही नॉलेज है। अब बात करते हैं सातवें की, चिप्स। चिप्स खाने वाले जो बच्चे अक्सर खाया करते हैं, खा खा कर मोटे हो गए रहते हैं, आपने देखा होगा, और पेट भी ख़राब कर लिया करते हैं खा करके, जो भी हो, तो चिप्स कहने का मतलब है जो आप कहते हो ना वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हो चिप्स। वहीं अमेरिकन लोग उसको चिप्स नहीं कहते हैं, उसको फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्रेंच फ्राइज कहते हैं चिप्स को। तो आगे चल करके दुकान पे जाना, बोलना कि मेरे को फ्रेंच फ्राइज चाहिए, दुकानदार ऐसे देखेगा तुम्हें, अरे भैया ये क्या बोल दिया तुमने, ये क्या है, तो बताना कि चिप्स चाहिए मेरे को, तो बोलेगा कि ऐसे बोलो ना। तो आप अपना इम्प्रेशन अगर अलग जमाना चाहते हो तो फिर अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल करो ना, या जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी कुछ ज़्यादा ही जानते हो उनके साथ थोड़ा बोल करके देखो, अपना इम्प्रेशन हट करके जमाओगे, उसकी नज़र में इज्जत बनाओगे और अपना सम्मान भी बनाओगे, और ये सिद्ध कर दोगे कि भैया मैं अमेरिकन इंग्लिश भी जानता हूँ। नेक्स्ट की बात करें, सेलोटेप। सेलोटेप आपने देखा होगा, सेलोटेप किसी चीज़ को चिपकाने में, किसी चीज़ की बाइंडिंग करने में या साटने वाटने में अक्सर काम आता है जो सेलोटेप, उसको तो हम ब्रिटिश में सेलोटेप कहते हैं, जबकि अमेरिकन में उसे हम स्कॉच टेप कहते हैं, यानी सेलो के बदले हम स्कॉच का इस्तेमाल करते हैं और टेप का टेप ही रह जाता है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ वाले की, फुल स्टॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये दोनों आने वाले हैं, वैसे तो सबके सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों कुछ ज़्यादा ही हैं। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम चिह, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, भाई सेंटेंस खत्म हुआ फुल स्टॉप दे दो, जहाँ पर सेंटेंस की एंडिंग होती है, फिनिशिंग होती है, वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं पूर्ण विराम चिन्ह के रूप में। लेकिन अमेरिकन वाले लोग उसको फुल स्टॉप नहीं कहते हैं, उसको तो पीरियड कहते हैं, और पीरियड का मतलब अलग से अवधि होता है, जो समय से ताल्लुक है, जिसका संबंध किससे है, समय से है, तो वो तो है ही, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड का मतलब आप फुल स्टॉप समझना। मैं बोलूँगा कि पीरियड का मार्क दे दो, तुमने सारे पीरियड छोड़ रखे हैं, तुमने सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट कर रखे हैं क्योंकि तुमने पीरियड्स नहीं दिए, तो समझने वाले जल्दी समझेंगे नहीं, यार पीरियड्स क्या बोल रहे हो आप, है ना। तो पीरियड्स का मतलब है फुल स्टॉप का कहते हैं पीरियड। तो आगे से याद रहे, फुल स्टॉप को आप पीरियड बोलोगे, या किसी के द्वारा पीरियड बोला जाए तो आप समझ जाना कि फुल स्टॉप की बात कर रहा है। अब दसवें की बात करते हैं, फिल्म यानी चलचित्र, है ना, चलचित्र, चलने वाले चित्र को हम फिल्म कहते हैं। तो फिल्म तो हमने ब्रिटिश में बोला,
अगर हम मूवी बोलते हैं ना तो अमेरिका में बोलते हैं, यानी कहने का मतलब है अमेरिकन लोग फिल्म के बदले मूवी का इस्तेमाल किया करते हैं, और हम भी तो करते हैं, मूवीज़ भी कहते हैं, फिल्म भी कहते हैं, पिक्चर भी कहते हैं, सिनेमा भी कहते हैं। लेकिन ये तो आज जान गए ना कि मूवी हम अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं और फिल्म हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में, ताकि हम सब बिहारी या फिर जो भी इस देश के स्टूडेंट्स हैं या जो भी छात्र हैं जो अंग्रेज़ी में वीक हों, उनको ये फील ना हो कि हम अंग्रेज़ी में वीक हैं या फिर अंग्रेज़ी में हम कमज़ोर हैं। हम भी अंग्रेज़ी जानते हैं क्योंकि हमने अटेंड किया है, हमने देखना शुरू किया है मिरेकल यूनिक क्लासेस, और हमारी अंग्रेज़ी भी अच्छी हो गई है। मैं आपसे दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहो, मैं आपकी अंग्रेज़ी को बहुत ही अच्छा कराने की प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, बशर्ते कि आप मेरे साथ मेहनत करते चलना, क्योंकि विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता है। मेरा तो काम है आपको गाइडेंस करना और आपका काम है उसको फॉलो करना, उस पे चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, कम से कम 5 या 10 ही से ही, लेकिन मेरे लिए एक बार ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, इन्जॉयफुल हो, इंटरटेनमेंट से भरा भरा हो, एंड आप सबकी पढ़ाई लिखाई है ना सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चले, बहुत अच्छे तरीके से चले, आप सफल हो, ये मेरा खुदा से इल्तिजा है, विनती है, अनुरोध है, या जो भी आप समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।